जय हिंद साथियों, आज हम अपनी आगामी लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो जीएस का खंड है उसमें हम चर्चा कर रहे थे अभी तक संघीय कार्यपालिका की, किसकी? संघीय कार्यपालिका की। और संघीय कार्यपालिका में अभी तक साथियों हमने ये बातें की थी, एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र का प्रमुख होता है, लेकिन चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और यद्यपि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन चूंकि संसदीय व्यवस्था के कारण वास्तविक कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का जो है प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अभी तक हमने निर्वाचन के संबंध में चर्चा की थी, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की। और राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के दिन से, शपथ ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होता है और एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा कि अमेरिका के संविधान में है कि वहां एक व्यक्ति सिर्फ दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है, लेकिन भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार हो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और जिसका कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होता है। एक बात और हम इसमें चर्चा करते हैं कि पांच वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर सकता है, पांच वर्ष पहले भी राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर सकता है। कैसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, संघीय कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति जो पांच वर्ष का कार्यकाल है उससे पहले भी राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर सकता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। और एक और कंडीशन है, यदि
राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है, मतलब 5 वर्ष का तो कार्यकाल है, लेकिन 2 ऐसी स्थितियां हैं कि जब राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भी त्याग पत्र देता है, दे सकता है, जिसमें एक तो यह है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने इस्तीफे द्वारा, अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है, दूसरा महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा मतलब महाभियोग द्वारा भी यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जब 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है, या तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाए। ये 2 बातें हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उससे पहले भी कैसे कैसे हट सकता है। अब एक और इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, अनुच्छेद 56 की। साथियों अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या बनता है, यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि 5 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा हो गया तो उस 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, मतलब यदि 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का पूरा हो भी गया तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले या कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अब एक और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद, एक और बात है शपथ ग्रहण, या शपथ। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ऐसी स्थिति में पद ग्रहण करने से पहले एक निर्धारित प्रपत्र पर राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।
अर्थात राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश जब राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं उस समय मुख्य न्यायाधीश की अनुपलब्धता हो या मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो तब क्या होगा, तब शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो सीनियर न्यायाधीश होगा या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अर्थात शपथ भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और मुख्य न्यायाधीश यदि किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति जी को शपथ वो वरिष्ठतम न्यायाधीश करवाएंगे, उस समय जो भी सीनियर न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ये है शपथ के बारे में। अब हम अपने एक अगले टॉपिक पर आते हैं और यह टॉपिक राष्ट्रपति के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। क्या हमारी हेडिंग होगी राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। इस पर अब हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। साथियों, चूंकि भारत की जो संसद है या इसे ऐसे समझ लें जो संसद है उसके तीन घटक हैं, पहला लोकसभा, इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे संसद के सदनों की, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों से मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद बनती है। और कई बार यहां से प्रश्न आ गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कि प्रश्न दे दिए कि निम्न में से कौन संसद का अंग है, और ऑप्शन में दे दिए लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो आप जानते हैं कि जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो
तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे देंगे और आप लगा देंगे ऑल ऑफ द एबव। अब हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की बात करते हैं और उसमें पहला ही हम टॉपिक उठाएंगे नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियों में हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा किनकी किनकी नियुक्ति की जाती है। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, चाहे वो कैबिनेट स्तर के हों या राज्य मंत्री हों या स्वतंत्र प्रभार हों, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महान्यायवादी महान्यायवादी राज्यों के राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इसी प्रकार चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य या अन्य चुनाव आयुक्त, इन सब की जो नियुक्तियां हैं यहां आदि में केंद्रों एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय जो सदस्य हैं उनकी नियुक्तियां, इन सब की अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की, इन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अर्थात राष्ट्रपति की जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं उसमें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य चुनाव आयुक्त, केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति जो है इनकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और इन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। ये थी नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब आइए अगली शक्तियों के बारे में देखते हैं। और ये जो राष्ट्रपति की अगली शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ
व्यू से, और वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, साथियों अध्यादेश जब जारी होता है, पहले तो अध्यादेश के बारे में आप सब कुछ ना कुछ जानते होंगे, आप सब समाचार पत्र पत्रिका न्यूज चैनल्स के माध्यम से अध्यादेश के बारे में सुने होंगे और जानते होंगे। जब किसी मामले पर किसी कानून की आवश्यकता हो और उस समय संसद के दोनों सदन का स्थगन हो या संसद का दोनों जो सत्र है लोकसभा और राज्यसभा का वो चल ना रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो भी मामले हैं उस संबंध में अध्यादेश लाया जाता है और उस अध्यादेश का महत्व उतना है जितना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम का होता है, उतना ही महत्व राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है उसका होता है। आइए चर्चा करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो साथियों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। और साथियों ये चीज राष्ट्रपति को जिस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 123 के तहत, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और यही सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में, प्री में यूपी पीसीएस में यह सवाल पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और उसका जवाब है अनुच्छेद 123। यही सवाल जरा घुमा के भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा पूछ दिए कि अनुच्छेद 123 संबंधित है, मान लीजिए कह दिए कि अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है और विकल्प के रूप में दे दिए अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने, या
राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है या राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यदि ये सवाल आता है कि अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है और विकल्प के रूप में आपके सामने अध्यादेश जारी करने से या राष्ट्रपति की नियुक्ति से या राष्ट्रपति पर महाभियोग से या नन ऑफ दीज, ये चार विकल्प आते हैं, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने से संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। अब इस अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में कुछ और बातें हैं, हम जिसको देखते हैं। वो ये है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी हो सकता है या तब ही जारी हो सकता है जब संसद का सत्र स्थगित हो। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब ही जारी हो सकता है जब संसद का सत्र स्थगित हो, तब ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें एक दूसरी बात है कि अध्यादेश का महत्व, अध्यादेश का महत्व उतना ही है जितना, अध्यादेश का महत्व उतना ही है जितना संसद द्वारा पारित अधिनियमों का, अध्यादेश का महत्व उतना ही है जितना संसद द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। और इसमें और एक बात है, वो ये है कि अध्यादेश की अवधि अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह तक होती है। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह तक होती है, लेकिन यदि 6 सप्ताह से पहले संसद के दोनों सदन का सत्र चलता है तो इस अध्यादेश की जो अवधि 6 सप्ताह थी वो उससे पहले भी समाप्त की जा सकती है। और इसमें अगली एक बात है कि राष्ट्रपति द्वारा
केवल उन्हीं मामलों पर राष्ट्रपति द्वारा केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी हो सकता है जिन पर राष्ट्रपति द्वारा केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी हो सकता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को, यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि राष्ट्रपति द्वारा केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, अर्थात जिन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो। या इसी बात को अगर हम घुमाकर थोड़ा सा कहें तो राष्ट्रपति केवल उन्हीं या राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सूची के विषयों पर कानून अध्यादेश जारी कर सकता है। आप जानते हैं कि सातवीं अनुसूची में हमने देखा था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चाएं हुई थी और केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, तो राष्ट्रपति केवल केंद्र सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। या राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। एक बात इसी में, इसी टॉपिक से और निकल कर आती है, वो ये है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, इसलिए राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य को प्राप्त है। तो ये हुआ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इसमें हमने देखा कि 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का महत्व उतना ही है जितना संसद द्वारा पारित अधिनियमों का है और अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह है और यदि संसद का दोनों सत्र बैठ जाए और संसद का सत्र चलने लगे तो 6 सप्ताह से पहले भी अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। और राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को प्राप्त है और राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार को प्राप्त है। ये बातें हुई राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के संबंध में। अब हम अपनी अगली कक्षा में, अपने अगले वीडियो में राष्ट्रपति के अन्य अधिकार और शक्तियों की चर्चा अपनी आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के संबंध में करेंगे। तब तक आप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहें, तैयार करते रहें, अपने मस्तिष्क में बैठाते रहें और जो है परीक्षा के तहत, जो है आगामी परीक्षा के तहत अपनी तैयारी जारी रखें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में संविधान के अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।